वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेशन का जो मीनिंग होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या, तो जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी में ऑक्सीजन का यूज़ करके जो एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। उसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीजन का इनटेक करके मतलब यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ठीक है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के से एनर्जी प्रोडक्शन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन कहेंगे। ओके, सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है दैट इज C6H12O6, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एनर्जी इज इवॉल्व। जब भी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा एनर्जी इवॉल्व होगी, उसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी इवॉल्व होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। सो आगे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये इंट्रोडक्टरी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो सभी सेल को या फिर टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर देयर एक्टिविटी, राइट। सो सेल्युलर एक्टिविटी बोल लो या फिर ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हर एक सेल को, हर एक टिश्यूज़ को। सो इसी के साथ ऑक्सीजन हमारे फूड या फिर ग्लूकोज में से एनर्जी जनरेट करेंगे करने के लिए ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इसीलिए वी कैन से द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड इंडिविजुअल सेल और टिश्यूज टू रिमूव देयर गैसियस एंड टू रिमूव देयर गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो मेन पर्पज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इट एक्ट्स एज अ एयर डिस्ट्रीब्यूटर। एयर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या, तो जहाँ पे सेल्युलर एक्टिविटी के लिए या टिश्यूज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके एनर्जी प्रोडक्शन करना और वेस्ट गैसेस मटेरियल को लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड उसी को बाहर फेंकना। This is the main purpose of respiratory system, or we can say main function of the respiratory system. So first one हम लोग describe करेंगे air distributor. Air distributor means what? It involves breathing and ventilation. Air distributor means what? It involves breathing and ventilation. So that is inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. It occurs in two times. ये कब होता है, जैसे इनहेलेशन ऑक्सीजन का अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर फेंको। इसमें दो टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं, दो बार ये होते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, गैसेस कहाँ एक्सचेंज किया जाता है, लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इनसाइड अवर बॉडी between the blood and the body tissues. कहाँ होता है ये internal respiration, between the blood and body tissues. Okay, so आइए आगे देखते हैं division of respiratory system. So
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें हम लोग इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग मिल देख सकते हैं नोज, नेजल कैविटी, साइनसिस एंड फैरिंग्स के बारे में. ओके, सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप लोग जानेंगे ट्रकिया, ब्रोंकाइल ट्री एंड लंग्स के बारे में. सो आइए डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का. यहाँ आप लोग देख सकते हैं नोज. नोज मीन्स जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स भी कहेंगे. ओके, नॉस्ट्रिल्स, इट एयर मेक्स इट्स इनिशियल एंट्रेंस इनटू द बॉडी थ्रू द ओपनिंग्स इज कॉल्ड एज द नोज. नोज क्या है? ये जो इनहेलेशन के थ्रू एयर अंदर ली जाती है उसको वार्म करते हैं, मॉइस्टन करते हैं एयर को. ओके, और आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ओपनिंग्स. यहाँ हमें ओपनिंग्स दिखाई दे रही है. ठीक है, नोज, नोज इज द एंट्रेंस पॉइंट, उसी को हम लोग नॉस्ट्रिल कहेंगे. ओके, इस ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं और ये इनिशियल एंट्रेंस कहलाता है इनटू द बॉडी. एयर का एंट्रेंस पॉइंट होता है जो कि एयर बॉडी में जाती है या फिर हमारे लंग्स में जाती है. दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट. देन नेजल कैविटी, नेक्स्ट वन इज द सी. इसी नोज के पास आप लोग पैलेंटाइन बोन देख सकते हैं. ओके, इट सेपरेट्स द नेजल कैविटी फ्रॉम द माउथ. माउथ के ऊपर जो एक बोन प्रेजेंट होता है, अपर पोर्शन जो होता है, ओके, इनसाइड द माउथ एंड नोज, ओके, बीच में वाला जो पोर्शन होता है दैट इज द पैलेंटाइन बोन एंड दैट सेपरेट्स द नेजल कैविटी फ्रॉम द माउथ. इसी ये माउथ को और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है. देन क्लेफ्ट पैलेट, पैलेंटाइन बोन डज नॉट फॉर्म करेक्टली डिफिकल्टली इन स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग. जब भी पैलेंटाइन बोन अगर ठीक से नहीं होता तो हमें स्वेलोइंग और स्पीकिंग में, बोलने में डिफिकल्टी होती है. ओके, देन यहाँ आप लोग देख सकते हैं नेजल, नेजल सेप्टम प्रेजेंट होते हैं. सेप्टम, सेप्टम मीन्स व्हाट? आपका जो नोज, नोज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, नोज आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है. सो ये जो दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, डिवाइडर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम. ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ नोज के बीच में नाक के दो साइड डिवाइड करने वाला जो पोर्शन होता है उसी को सेप्टम कहते हैं. सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स. ओके, सो नेजल सेप्टम, दीज टू स्पेसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द पोर्शन पार्टीशन दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम. अब ये जो सेप्टम है ये या नेजल कैविटी की वॉल बोलो, इसी को इसमें आपको बहुत सारा म्यूकस भी, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि अंदर के साइड में म्यूकस सीक्रेट करती है और इसी वजह से हमारा जो नेजल का जो एनवायरनमेंट होता है, नोज का जो एनवायरनमेंट होता है वो लिटिल बिट चिपचिपा या म्यूकस से भरा हुआ होता है. ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे साइनसिस. साइनसिस यहाँ आप लोग देख सकते हैं फोर स्पेसेस होते हैं जिसमें एयर कंटेनिंग स्पेसेस हम जिन्हें कहेंगे, ये ओपन होती है नोज के तरफ और ड्रेन करती है नोज में म्यूकस सिक्रेशन, ड्रेन करती है म्यूकस को सिक्रेट करके म्यूकस, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइनसिस ये म्यूकस सिक्रेट करके नोज को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है. उसी के साथ में ये साइनसिस हमारे स्कल का जो वेट होता है वो कम करती है, लोअर्स द वेट ऑफ द स्कल, स्कल का वेट कम करने में मदद करती है. ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे
आप लोग यहाँ देख सकते हैं फैरिंग्स, फैरिंग्स के बारे में बात करेंगे. सी यहाँ फैरिंग्स प्रेजेंट होता है. सी फैरिंग्स ये तीन टाइप में डिवाइड किया होता है. फैरिंग्स ये एक मस्कुलर थ्रोट होता है, ठीक है. फैरिंग्स ये मस्कुलर थ्रोट होता है. फैरिंग्स में से जो नेजल कैविटी एयर पास करने में मदद करती है, फैरिंग्स ये क्या करती है, एयर पास करने में मदद करती है, प्लस फूड पाइप से फूड पास करने में मदद करती है. अब ये जो फैरिंग्स है ये थ्री टाइप्स में डिवाइड की गई है, या फिर थ्री पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं. फर्स्ट वन इज द नैसो फैरिंग्स. आप लोग यहाँ दिखाई देख सकते हैं डायग्राम में नैसो फैरिंग्स. नैसो फैरिंग्स हियर, जो कि नोज के नेजल कैविटी के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग नैसो फैरिंग्स कहेंगे. सेकेंड पार्ट उसका होता है ओरोफैरिंग्स. ओरोफैरिंग्स ये ओरल कैविटी के बैक साइड में प्रेजेंट होता है. और थर्ड वन इज दी लैरिंजो फैरिंग्स. लैरिंजो फैरिंग्स ये लैरिंग्स के पीछे के साइड वाला हिस्सा होता है, या फिर प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग लैरिंजो फैरिंग्स कहेंगे. इसी तरह से फैरिंग्स ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है. ओके उसके बाद में लैरिंग्स, ठीक है. इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेप्टम, साइनसेस, ठीक है. देन लैरिंग्स. लैरिंग्स ये फैरिंग्स के नीचे वाला पोर्शन होता है. लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द फैरिंग्स एंड द ट्रकिया. फैरिंग्स और ट्रकिया के बीच में वाला पोर्शन जो होता है, पार्ट होता है, उसी को लैरिंग्स कहेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. यहीं से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है. सो अब ये जो लैरिंग्स है, इसी के ऊपर इसी पर कार्टिलेजियस टिश्यूज का डिपोजिशन होता है. बहुत सारे कार्टिलेजियस जो टिश्यूज़ होते हैं वो जाके इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और उस डिपॉजिशन के वजह से वहाँ का थिकनेस बढ़ जाता है, और उसी को एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है. मेल्स में ये जो होता है एडम्स एप्पल, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है. उसकी जो साइज़ होती है वो लार्जर होती है, और उसी को हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, और उस वजह से इसकी जो साइज़ होती है लैरिंग्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए उसे एडम्स एप्पल कहते हैं. और हम लोग मेल्स में ये बहुत इजीली देख पाते हैं, ठीक है. सो जो अपर एंड होता है लैरिंग्स का, आप लोग देख सकते हैं, अपर एंड होता है लैरिंग्स का, अपर पोर्शन. सी ये लैरिंग्स, लैरिंग्स का जो अपर पोर्शन होता है उसी को ग्लॉटिस कहेंगे. ओके उसी को ग्लॉटिस कहा जाता है. सॉरी जो अपर पोर्शन होता है लैरिंग्स का, वहाँ से आपकी स्पीच जनरेट होती है, और उसी को वोकल कॉर्ड्स कहेंगे, ठीक है. उसी को वोकल कॉर्ड्स कहेंगे. सो जब भी एयर वोकल कॉर्ड्स को वोकल कॉर्ड से होकर बाहर निकलेगी, तब वहाँ पे वाइब्रेशंस जनरेट होंगे, और उसी वाइब्रेशंस के वजह से स्पीच या फिर आवाज़ प्रोड्यूस होती है. अब जो ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, सी ये जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होती है उसी को ग्लॉटिस कहेंगे. ओके सो लैरिंग्स के ऊपर जो लीफ प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स के ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को एपिग्लॉटिस हम लोग कहेंगे. ओके ये एक टाइप का कवरिंग होता है लैरिंग्स के ऊपर, उसी को एपिग्लॉटिस कहेंगे. लैरिंग्स के ये अंदर से सिलिएटेड म्यूकस होता है, से भरा हुआ होता है, ठीक है. सिलिएटेड म्यूकस मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. सिलिएटेड मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अंदर से बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी होता है. म्यूकस सिक्रीशन वहाँ पे हुआ
होता है. सो दैट इफ एनी डस्ट पार्टिकल्स अगर अंदर चले जाते हैं, एंटर किए जाते हैं, तो ये सीलिया में ट्रैप हो जाता है और ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग उसके वजह से वो बाहर फेंके जाते हैं. सो नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स के बाद में हम लोग देखेंगे ट्रकिया. ठीक है, ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप. ओके, सी दिस इज द स्ट्रक्चर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रकिया. ट्रकिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, लैरिंग्स टू ब्रोंकाई. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, लैरिंग्स से लेकर तो ब्रोंकाई तक इसकी ये फैला हुआ होता है. मतलब इट इज लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट लैरिंग्स टू ब्रोंकाई. इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ कार्टिलेज. ठीक है, इस ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, सी शेप का होता है. ट्रकिया की जो मेन बात ये है कि इसमें कार्टिलेज का फ्रेमवर्क बना हुआ होता है, और ड्यू टू दिस कार्टिलेज स्ट्रक्चर ट्रकिया कोलैप्स नहीं हो पाता. ये ट्रकिया को कोलैप्स होने से बचाता है. ठीक है, सो कार्टिलेज ये सी शेप के रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सी यहाँ पे ये सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, इट इज कार्टिलेज कवरिंग ट्रकिया के ऊपर होता है, सो कोलैप्स होने से ट्रकिया को बचाता है. ओके, ये ट्रकिया एयर को लैरिंग्स से लेकर लंग्स तक लेकर जाने में हेल्प करता है. ठीक है, सो ट्रेचियोस्टोमी इट इज़ द सर्जरी और इट इज़ द कटिंग ऑफ एन ओपनिंग इन द ट्रकिया टू अलाउ द ब्रीदिंग. ओके, ये क्या करता है, ये एक कट होता है, सर्जिकल कट किया जाता है, जो कि डायरेक्टली ब्रीदिंग में हेल्प किया जाता है. इन सम केसेस इट शुड बी डन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेचियोस्टोमी. देन ब्रोंकाई की बात करेंगे. ये जो ट्रकिया है ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं. सी आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पोर्शन ऑफ ट्रकिया. ट्रकिया का और वी कैन से विंड पाइप है, कार्टिलेज से कवर्ड है. आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. जब ट्रकिया दो पार्ट में डिवाइड होंगे, उसके दो ब्रांचेस होंगे, उस दो ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहा जाएगा. ठीक है, इफ सपोज दिस इज योर लेफ्ट लंग और एंड दिस इज योर सॉरी दिस इज योर राइट लंग एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग. तो जो लेफ्ट राइट लंग में ट्रकिया एंटर करेगा, उस ट्रकिया को राइट ब्रोंकियोल्स कहेंगे और राइट ब्रोंकस कहेंगे. ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में एंटर करेगा उसी को लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे. ओके, सो ट्रकिया ये जो फर्दर डिवाइड होता है उसी को हम ब्रोंकाई कहेंगे. ये दो भाग में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. सो उसी को हम लोग लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस कहेंगे. सपोज कंसिडर करो, राइट साइड वाला राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट ब्रोंकस. ओके, सो जो राइट ब्रोंकस होता है वो स्लाइटली लार्जर रहेगा इन डायमीटर. ठीक है, ये जो राइट साइड का ब्रोंकस है वो स्लाइटली लार्जर रहेगा इन केस इन द डायमीटर एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाला ब्रोंकस. ठीक है, सो लेफ्ट साइड वाला लिटिल बिट डायमीटर में छोटा रहेगा. राइट ब्रोंकस का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, सीधा नीचे के साइड में वो एंटर करता है. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, एंड लेफ्ट साइड वाला लिटिल बिट हॉरिजेंटल पोर्शन में एंटर करता है. सो लेफ्ट साइड वाला ब्रोंकस डायमीटर में भी कम होता है. ओके,
सो इसी को लिटिल बिट फ्लैट हम लोग कह सकते हैं. जब भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर इनकेस एंटर करता है ट्रकिया के थ्रू लंग्स में, तो ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करेगा, क्योंकि वो सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करता है. ओके, सो दिस इज ब्रोंकाई. आगे जाके ये जो ब्रोंकाई है ये बहुत ज़्यादा फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस. बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ब्रांचेस में वो डिवाइड होते हैं. इस छोटे छोटे ब्रांचेस को ब्रोंकिओल्स कहा जाता है. ओके, दिस ब्रोंकिओल्स ब्रांचेस इनटू माइक्रोस्कोपिक अल्वियोलर डक्ट. ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये ब्रोंकिओल्स की जो एंड पार्ट होता है उन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है. इट इज़ लाइक अ बबल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो ये जो ब्रोंकिओल्स की ब्रांचेस छोटी छोटी ब्रांचेस खत्म होती है, जो लास्ट माइक्रोस्कोपिक हमें वो ठीक से दिखाई नहीं देती, बहुत माइन्यूट होती है, उसी को एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है. ब्रोंकिओल्स का एंड पोर्शन जो होता है एल्वियोलर डक्ट कहा जाएगा, एंड इट इज़ टर्मिनेट इनटू द एल्वियोलर सैक. खत्म कहाँ होती है? एल्वियोलर सैक में. आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एल्वियोलर सैक. ये एल्वियोलर सैक एक एक्सचेंज है गैस एक्सचेंज करने में विद द ब्लड. ठीक है, गैस एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ में, एंड यही वो पोर्शन है या पार्ट है जहाँ पे ये गैस एक्सचेंज होता है. ठीक है, सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये आपकी ब्रोंकिओल्स. ब्रोंकिओल्स बहुत सारे, और इसमें ब्रोंकस है. ठीक है, ब्रोंकस बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, और ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये ब्रोंकस खत्म होती है उसे एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है. ओके, और एल्वियोलर डक्ट जब खत्म होती है टर्मिनेट होती है एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसी को एल्वियोलर सैक कहा जाता है. सो इनर पोर्शन ऑफ दिस एल्वियोलाई इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और उस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में ही बहुत सारे सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो, अंगूर के गुच्छे जैसा ये दिखाई देता है. ठीक है, अंगूर के गुच्छे जैसा आप लोगों को ये दिखाई देगा. एक्चुअल में ये जो पोर्शन होता है गैस एक्सचेंज का पोर्शन होता है, यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती है विद दी ब्लड. सो इसके अंदर एल्वियोलर सैक होती है. सैक का मतलब एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. अब ये एक एल्वियोलस की बात हम लोग करते हैं. एल्वियोलस ये जो होती है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं लाइक दैट. सी आप लोग यहाँ देख सकते हो बहुत सारे, ये एक पोर्शन यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया हुआ है. यू कैन सी दिस डायग्राम. बहुत सारे वहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क वहाँ होता है, उसी को कैपिलरी नेटवर्क कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है एल्वियोलस के सरफेस पे. इसी के थ्रू, इस कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू ही ऑक्सीजन कैच किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है. ठीक है, देन लंग्स. लंग्स के बारे में बात करेंगे. ये एक दो कोन शेप लंग्स होते हैं, पार्ट होते हैं लंग्स के दो कोन शेप, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है. वन लाइंग ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन और इन अ थोरेसिक कैविटी. हर एक थोरेसिक कैविटी के हर एक साइड में, मतलब दोनों साइड में वे प्रेजेंट होता है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड. सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डायफ्रैगम टू क्लेविकल्स. डायफ्रैगम से लेकर तो क्लेविकल्स तक ये एक्सटेंड हुआ होता है. सो दिस डिवाइडेड इनटू टू लोब्स बाय द फीचर्स. जब ये दो डिवाइड होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ये जब डिवाइड होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ फीजर्स. ठीक है, फीजर्स के थ्रू ये जो डिवाइड करने वाला पोर्शन होता है उसे फीजर्स कहा जाता है. द डिविजन बिटवीन द लोब्स आर कॉल्ड एज फीजर्स.
ठीक है. देन प्लूरा, प्लूरा कंसिस्ट ऑफ क्लोज सैक. प्लूरा क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है क्लोज सैक, कंसिस्ट करता है सीरियस में, सीरस मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड ईच मेम्ब्रेन फॉर ईच लंग, वन फॉर ईच लंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है. विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड, उसमें सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसी फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है. ठीक है. देन ग्लिसरा फ्लूइड दैट अडेयर्स टू द लंग, वहाँ पे और एक विसरल प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज अडेयर्स टू द लंग्स, लंग्स से चिपका हुआ होता है. ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, ओके, डिफरेंट पार्ट्स, फ्रंटल साइनस, नेजल कैविटी, हार्ट पैलेट, नॉस्ट्रिल्स, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रकिया, फैरिंग्स, ओके, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ये सारे हमारे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्ट्रक्चर है. देन मूविंग एयर इन आउट, ओके, देखेंगे इन्हेलेशन और एक्सेलेशन. इन्हेलेशन के टाइम क्या होता है, ये जो थोरेसिक कैविटी में डायफ्रागम प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के नीचे, ठीक है, दैट इज इन इन द अपर, इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. सो ये जो डायफ्रागम प्रेजेंट होता है जब हम लोग इन्हेल करते हैं एयर, एयर को अंदर लेते हैं, ये डायफ्रैगम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस वजह से ये जो हमारा लंग्स का पोर्शन है, थोरेसिक कैविटी है, वो एक्सपांड होगी. जो हमारी रिब्स होते हैं, केज होती है, रिब केज होती है, वो एक्सपांड करेगी, लंग्स एक्सपांड हो गए और एक्सपांड होने के वजह से वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो लो होगा. ठीक है, वहाँ का एयर प्रेशर लो होगा और इस वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो एयर प्रेशर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन का होगा. ठीक है, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर का एटमॉस्फेयर का एयर कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के वजह से लंग्स में वो एयर एब्सॉर्ब की जाएगी, खींची जाएगी. ठीक है, और इस वजह से इन्हेलेशन होगा. ड्यूरिंग दिस इन्हेलेशन डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, लंग्स होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं. एक्सपांड होने के वजह से एयर कॉन्सेंट्रेशन उसमें का कम हो जाता है. ठीक है, इसलिए बाहर की हवा हम लोग अंदर ले सकते हैं. इसी के अपोज में एक्सहेलेशन के टाइम ये जो डायफ्रैगम है वो रिलैक्स होता है. सो उसका शेप लिटिल बिट पूरा यू शेप का हो जाता है, उल्टा यू. ठीक है, रिलैक्स होने के वजह से ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स के जो रिब्स होते हैं वो पूरे थोरेसिक कैविटी पूरी कॉम्प्रेस्ड हो जाती है. कॉम्प्रेस्ड हो जाने के वजह से वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है. ठीक है, एयर प्रेशर बढ़ जाने के वजह से अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ जाने के वजह से एटमॉस्फेयर का एयर कम होता है. सो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये अंदर की हवा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है वो बाहर फेंके जाती है. ठीक है, सो एयर मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सेलेशन. इसी को हम लोग इन्हेलेशन और एक्सेलेशन, मूविंग ऑफ एयर इन एंड मूविंग ऑफ एयर आउट, ऐसे हम लोग कहेंगे. सो ड्यूरिंग दिस इंस्पिरेशन इन्हेलेशन द डायफ्रैगम एंड इंटर कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ड्यूरिंग द एक्सेलेशन द डायफ्रैगम डोम्स अपवर्ड, ओके, एंड मसल्स रिलैक्स. एल्वियोलाई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. एल्वियोलाई ये मॉइस्ट होता है, थिन वॉल्ड पैकेट्स होते हैं विच आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. सी आप लोग यहाँ देख सकते हो. ठीक है, ये एल्वियोलाई की सैक यहाँ पे दिखाई दे रही है. सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स लुक्स लाइक अ
अंगूर के गुच्छे जैसा ये दिखाई देंगे और अपर पोर्शन में सरफेस पे सारी कैपिलरीज नेटवर्क वहाँ पे स्टिक की हुई होती है. सो स्लाइटली ऑयली सर्फेक्टेंट प्रिवेंट्स होता है एल्वियोलर वॉल्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग एंड स्टिकिंग टुगेदर. जहाँ जैसे मैंने बताया वहाँ पे ऑयली सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है और उस वजह से ये जो एल्वियोलाय होते हैं, एल्वियोलर सैक होते हैं, वो एक दूसरे को स्टिक नहीं कर पाते. नाउ सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज. ठीक है, यहाँ पे जो रेड पाइप आपको दिखाई दे रहा है, लाइक रेड पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ब्लू वाला जो है, ब्लू पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो दिस इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो हार्ट का पोर्शन है. इट कंटेन्स फोर लोब, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. यहाँ आपको दिखाई देंगे, दिस इज द पोर्शन ऑफ एल्वियोलाई, इट कंटेन्स एयर सैक. ओके, जब भी ऑक्सीजन एंटर करेगा एल्वियोलाई में, इट गोज विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन टू द लंग्स. ठीक है, लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से होके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से होके वो टिश्यूज और सेल तक जाएगा. ठीक है, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक सेल में ऑक्सीजन ये कैच किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा, वो जाएगा राइट एट्रियम में. फ्रॉम दिस राइट एट्रियम से लेकर होकर वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स से फिर वो एल्वियोलर सैक में पहुंचाया जाएगा. वहाँ से एल्वियोलर सैक से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर फेंका जाएगा. सो दिस इज द गैस एक्सचेंज, सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज, विट इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीद? ओके, द रिब मसल्स रिलैक्स होते हैं, डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एयर लीव्स द एल्वियोलाई, एयर मूव्स बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स. एज आई टोल्ड यू, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देन इन द एल्वियोलस, एल्वियोलस में आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन एंटर कर रहा है इन द सेल बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रेड ब्लड सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलर सैक. ओके, एल्वियोलस के अंदर बाहर फेंका जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पल्मोनरी वेंस दिखाई देंगी, और ये ब्लू शेड में जो है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है आउटसाइड दी एल्वियोलर सरफेस पे आप लोगों को बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज दिखाई देंगी. एल्वियोलर मेम्ब्रेन है यहाँ प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, सर्फेक्टेंट फ्लूइड्स है. ओके, सो द रेस्पिरेटरी सरफेस इज मेड अप ऑफ द एल्वियोला एंड कैपिलरी वॉल्स. The walls of the capillaries and the alveoli may share the same membrane. Then gas exchange. See, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये epithelial tissues है, cells है present. ठीक है, oily surfactant यहाँ देख चुके, जैसे मैंने बता चुकी हूँ oily surfactant होता है वहाँ पे, सो कि वो कोलैप्स ना हो, एक दूसरे से स्टिक ना हो. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनहेल किया जाता है या एब्सॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, जो कि बाहर का एटमोस्फेयरिक कॉन्सेंट्रेशन
ज़्यादा हो तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ वो मूव करता है, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है, ठीक है, फ्रॉम दी एल्वियोलस. ओके, सो दिस इज गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन द एल्वियोलस. एयर एंटरिंग द लंग्स कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड दैन द ब्लड दैट फ्लोज इन द पल्मोनरी कैपिलरीज. देन हाउ डू दिस डिफरेंसेस इन द कॉन्सेंट्रेशन असिस्ट गैस एक्सचेंज? जैसे मैंने बताया इसका आंसर है डिफ्यूजन प्रोसेस. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स रन होते हैं. देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आप लोग देख सकते हैं. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू लंग्स कैपिलरीज वॉल. ऑक्सीजन इज कैरीड टू टिश्यूज बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है. देन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू टिश्यू कैपिलरी वॉल्स. सो हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू द ऑक्सीजन, डिफ्यूजेस इन टू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, इसका डिटेल में हम लोग फिजियोलॉजिकल लेक्चर में पढ़ेंगे. देन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड टू द लंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द टिश्यू कैपिलरीज, टिश्यूज कैपिलरी वॉल्स में डिफ्यूज होंगे. उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स के थ्रू कैरीड किया जाएगा एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द लंग्स कैपिलरी वॉल. सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिजॉल्व होता है प्लाज्मा एंड अबाउट 70% फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट आयंस. सो सम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बाइंड द हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट, नो. ओके, देन एट द सेल्स, सेल्स यूज अप ऑक्सीजन क्विकली फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन. सेल्स क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द सेल आर हायर देन इन द ब्लड कमिंग टू देम. सो इसी वजह से सेल के अंदर का हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला कार्बन डाइऑक्साइड ये लेवल्स डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के स्ट्रीम में पहुँचाया जाता है. सो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड इज रैपिड बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन कीपिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लो, ठीक है. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लो होने के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है. ब्लड प्लाज्मा इज ऑक्सीजन रिच. सो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज इन व्हाइट सेल्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में बाउंड होने के लिए. देन कार्बन को कंबाइंड होने के लिए ज़रूरत होती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बना सकें. देन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. देन वॉल्यूम्स फॉर ऑफ एयर एक्सचेंज, ठीक है. वॉल्यूम्स मतलब द लंग्स कैपेसिटी. वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज मीन्स द लंग कैपेसिटी आर मेजरमेंट्स ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स. लंग्स की जो कैपेसिटी है कितना एयर उसमें एयर फिलअप करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज मेजरमेंट ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स. द वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी विच इज मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. ये जो होती है वाइटल कैपेसिटी, इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होता है एयर का जो कि इनहेल और एक्सहेलेशन के ड्यूरेशन में रेस्पिरेशन के थ्रू मेजर उसका किया जाता है उसी को वाइटल कैपेसिटी हम लोग कहेंगे. इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Okay.
सो यहाँ पे एडिशनल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल अमाउंट होता है एयर फोर्सिबली एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपीरेशंस. ओके इट इज़ नियर अबाउट 1000 to 1200 ml. देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डीप ब्रीथ जब हम लोग करते हैं तब जो अमाउंट होता है एयर का दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल. ठीक है जब डीप ब्रीथ करते हैं बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ करते हैं तब बहुत ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है मेजरमेंट होता है एयर अमाउंट का इनहेलेशन के टाइम नॉर्मल से ज़्यादा होता है इसीलिए उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. देन रेसिडुअल वॉल्यूम दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट स्टेज ट्रैप इन द अल्वियोला. अल्वियोला में जो ट्रैप किया हुआ अमाउंट होता है एयर का इट इज़ नियर अबाउट 1.2 liters. सो इसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ ईच पार्ट. ओके सो इसका फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे. थैंक यू.